हेलो फ्रेंड्स, कुक विद टेस्ट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाएंगे साबूदाने की खिचड़ी। साबूदाने की खिचड़ी आप नवरात्रि व्रत पे भी बना सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक बाउल साबूदाना, 1/4 बाउल मूंगफली के दाने, एक उबला हुआ आलू, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, अदरक बारीक कटी हुई, 2 टमाटर बारीक कटे हुए, आधा नींबू का रस, देसी घी, नमक स्वादानुसार, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा। सबसे पहले साबूदाने को 2 घंटे के लिए भिगो दें। ये देखिए साबूदाना हमारा गल चुका है। इसे छलनी में छान लें। अगर थोड़ा बहुत पानी है तो पानी को साबूदाने से निकाल दें और फोक से इस प्रकार इसे हिला दें। इससे आपका साबूदाना खिला खिला बनेगा, एक दूसरे से चिपकेगा नहीं। कढ़ाई में देसी घी डालें और मूंगफली को रोस्ट करें। ये देखिए मूंगफली हमारी रोस्ट हो गई हैं। इसे प्लेट में निकाल लें, कढ़ाई में घी डालें। ये मैंने देसी घी का यूज़ किया है। आप व्रत में जो कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं वह डाल सकते हैं। जीरा डालें। बारीक कटी हुई अदरक डालें। बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालें। 1-2 मिनट इसे चलाएं। अब बारीक कटे हुए टमाटर डालें। स्वादानुसार सेंधा नमक डालें ताकि टमाटर हमारे गल जाएं। ये देखिए टमाटर हमारे गलने लगे हैं। उबला हुआ आलू डालें। साबूदाना डालें। काली मिर्च पाउडर डालें। बारीक कटा हुआ धनिया डालें। नींबू का रस डालें और अच्छे से मिक्स करें। ये देखिए हमारा कितना खिला खिला साबूदाना बना है। अब इसमें रोस्ट की हुई मूंगफलियां भी डाल दें, इन्हें भी मिक्स करें। गैस की फ्लेम को लो कर दें और 1-2 मिनट के लिए साबूदाने को ढक दें।
दो मिनट हो चुके हैं। ये देखिए साबूदाना रेडी है। साबूदाने की खिचड़ी आप भी बनाइए, खाइए और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बीच शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। आप हमारी ये वीडियोज़ भी देख सकते हैं।